Now today we discuss about the integration. An integration is just a reverse process of the differentiation. Just a reverse process of differentiation known as integration. तो इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. और सिंबल होता है इंटीग्रेशन का इस तरह, इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. तो पहला फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, x टू द पावर n dx. कैसे पढ़ेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x. तो बनेगा एक पावर बढ़ जाती है उतने से डिवाइड. जब डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है मल्टीप्लाई, पावर कम हो जाया करती थी और यहां पर एक पावर बढ़ जाती है उतने से डिवाइड हो जाएगा. एग्जांपल ये दिया, क्या बन जाएगा ये 3+1/3+1 एक्स पावर 4/4 हो गया. नाउ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लेके चल रहे, कोई भी नंबर कांस्टेंट क्वांटिटी होगा. तो चलो हमने 5 dx ले लिया, इसको हम लिख सकते हैं 5 x की पावर 0 dx. और अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 5 x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, क्या मिलेगा 5x. कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता था, इंटीग्रेशन में एक वेरिएबल मिल जाएगा. अब इन दोनों को कंबाइन करके आपको दिखा रहे हैं. इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, 3x/3/3 एक पावर बढ़ जाती है उतने से डिवाइड, प्लस 4x/2 क्योंकि अभी पावर 1 है, एक पावर और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2. और आपको पता है जब 5 का इंटीग्रेशन 5x हो सकता है तो 3 का क्या हो जाएगा 3x. ये ओके 3 का 3x हो गया. और फॉर्मूला जाओ, dx upon x का log x हो गया, जबकि log x का 1 upon x हुआ करता था डिफरेंशिएशन, और यहां पर 1 upon x का इंटीग्रेशन log x बन जाएगा. सिमिलरली e to the power x dx का इंटीग्रेशन भी नहीं होता है. लेकिन अगर इस तरह है क्यों हो जाएगा e to the power 5x divided by 5. ओके नाउ ट्रिग्नोमेट्री में देखो, साइन थीटा डी थीटा दिया हुआ है और हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं. नाउ ये बनेगा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और अगर साइन एन थीटा डी थीटा दिया हुआ है तो माइनस कॉस एन थीटा डिवाइड बाय एन. सिमिलरली cos थीटा d थीटा दिया हुआ है तो sin थीटा हो जाएगा, और अगर cos n थीटा d थीटा दिया हुआ है तो sin n थीटा divided by n हो जाएगा. ना और देखो कुछ फॉर्मूले, स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन थीटा. अगर आपको याद हो तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था सेकंड स्क्वायर थीटा, या सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा
tan theta. इसका हो जाएगा सेकेंड थीटा, ओके. ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा हो जाएगा. माइनस इंटीग्रेशन दो तरीके का होगा, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं होगी, जैसे कि फाइव एक्स पावर फोर डी एक्स, कोई लिमिट नहीं लगी. बनेगा 5 x पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी आ जाएगा. जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, और ये हो जाएगा जाके x पावर 5 प्लस सी. ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा. और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट. लोअर लिमिट दी होगी, यहां से स्टार्ट करना है, अपर लिमिट यहां तक लेके जाना है. अगर अंडर द लिमिट आप इंटीग्रेट कर रहे हो उनको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन विद इन द सर्टेन लिमिट. ज्यादा एग्जाम्पल, ये दिया, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं. लिमिट दी हुई, इज द लोअर लिमिट, इट इज अपर लिमिट. विद इन द लिमिट्स इसको इंटीग्रेट करना है. पहले तो कोई बेसिक फॉर्मूले लगेंगे, एक पावर बढ़ जाती है इतने से डिवाइड, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन वेरिएबल बन जाता है. जो बेसिक फॉर्मूले पहले हम लोग वही लगा दें, 3x³/3 प्लस 2x² / 2 प्लस 4x. पहले बेसिक फॉर्मूले मोड लगाए, क्या मिला, x³ x² 4x. और अब हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. मतलब जानो जहां x लिखा हुआ पहले क्या लिखेंगे, x लिखे 3 माइनस, फिर xj क्या लिखेंगे 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई करना होता है. x 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया 2 का स्क्वायर, ऐसे कर दिया 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. और अब इसको सॉल्व कर, 9 - 8 27 हो जाएगा, माइनस 8 ये जाएगा 9 - 4 4 × 2. और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 19 प्लस 5 प्लस 4, ठीक कितना हो गया 20. ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया. और जब इकोनॉमिकल लेके चल रहे हैं इसको, एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करके दिखा रहे हैं.
पाई बाई फोर से पाई बाई टू लिमिट्स के अंदर इसको हमें इंटीग्रेट करना है। पहले बेसिक फॉर्मूला, साइन थीटा आपको पता है माइनस कॉस थीटा हो जाता है, और अब लिमिट्स अप्लाई करनी है, वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर, ये cos 90 हो गया, आपने 10th क्लास में पढ़ा है cos 90 जीरो होता है, और cos 45 वन बाई रूट टू। वन बाई टू रूट टू आंसर आ गया, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। क्लियर, इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब मैं acceleration given है, and you have to calculate velocity, velocity calculate करना है, initial zero और t1 दे रखा है, t2 दे रखा है 2 second बाद, मतलब जब t1 zero तो velocity zero बता रखी है, और t2 पर 2 second, after 2 second हमें velocity calculate। आपको पता है कि a cos 2 dv over dt होता है, dv क्या बन जाएगा जाके 2d square plus 5t plus 2dt, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। T goes to 0, V goes to 0, 2 second velocity calculate करना है, time 0 तो velocity 0 दे रखी है, 2 seconds बाद velocity निकलवा रहे हैं, तो dv का V हो जाएगा। अब ऐसे इसको कर रहे हैं, 2q by 3 plus 5t square by 2 plus 2t लिमिट अप्लाई कर दिया, 2 का क्यूब माइनस 0, 2 का स्क्वायर माइनस 0, 2 माइनस 0, ठीक 16 बाई 3 हो गया, 10 हो गया प्लस 4, सो मीटर पर सेकेंड। आगे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। ओके, एक मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम भी होती है डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम, मैक्सिमम एंड मिनिमा, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, dy ओवर dx इक्वल टू जीरो, चाहे मैक्सिमम चाहे मिनिमम। अगर हमें फर्दर चेक करना है कि वाकई में ये मैक्सिमा है, तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर ये नेगेटिव आता है तो ये
की मैक्सिमम की कंडीशन मान ली, y इज मैक्सिमम फॉर वैल्यू ऑफ x इफ इट इज नेगेटिव, और अगर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमा की कंडीशन कहलाएगी, देन इट बिकम अ कंडीशन फॉर मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम कहलाती है। ठीक है, चलो इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m और दो पार्ट में टूट रही है, तो हमें स्मॉल m और कैपिटल m जो आ रहे हैं इनमें रिलेशन निकालना है, अगर इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लग रहा हो तो, अगर इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लग रहा हो तो स्मॉल m और कैपिटल m का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमने r डिस्टेंस ले लिया, तो आपको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर हमने m1 को m मान लिया m2 क्या हो जाएगा, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है m1 m2 by r square into capital G, the capital G is a universal gravitational constant, m1 m2 की वैल्यू लगा दो, ये m हो गया, m minus m हो गया, r square हो गया, और ये g हो गया f cross, ऐसे लिख दिया, डिफरेंशिएट करो उसको, dm upon dm, क्योंकि small m is the value, capital M तो fix है, तो ऐसे देखो, और इजी करते हैं, df upon dm dr square m minus 2, और चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, चाहे मैक्सिमम चाहे मिनिमम, और स्टेटमेंट में क्लियर है कि मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तो नो नीड टू डिफरेंशिएट सेकेंड टाइम, तो ये जीरो हो जाएगा, m minus 2 m 0 हो गया, इसे स्मॉल m क्या मिला m, और दोनों हाफ अ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम दोबारा डिफरेंशिएट भी करके दिखा देते हैं आपको, जबकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है इसके बावजूद भी हम आपको डबल डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं, अगर आंसर नेगेटिव आए तो बाकी मिल के बीच में फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, कर लेते हैं। तो df upon dm हमें मिला क्या, g by r square m minus 2, further differentiate कर देते हैं, ओके, कैपिटल एम इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, और डीएम को एम वन हो जाएगा, क्या मतलब माइनस टू, कैसा आ गया, नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव आया इसलिए इनके बीच में फोर्स कैसा लग रहा होगा, मैक्सिमम, क्लियर, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन था, इसमें हमने इंटीग्रेशन कराया और एक डिफरेंशिएशन का पार्ट इसमें डिस्कस कर लिया, मैक्सिमा एंड मिनिमा थ्योरम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट पार्ट लेके चलेंगे, लॉगरिथम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।